रिंकू सिंह के छक्के के बाद गेंद को कैच करने भागे साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी ऑलराउंडर शॉन पॉलक, तो सुनील गावस्कर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट्री कर डाली। जी हां दोस्तों, दरअसल रिंकू सिंह ने आज एक बार फिर 38 रनों की तेज पारी खेलकर इंडिया की पारी को शानदार फिनिश किया, जिसके लिए वह जाने जाते हैं। लेकिन इसी पारी के दौरान जब वह आखिरी ओवर में चौके छक्के जड़ रहे थे, तब उनके एक छक्के पर शॉन पॉलक बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े थे। जैसे ही पॉलक ने देखा कि गेंद उनकी तरफ आ रही है, तो शॉन पॉलक कैच करने गए, लेकिन वह गेंद तक नहीं पहुंच सके, जिसके बाद शॉन पॉलक हंसते हुए भी नजर आए। इसी दौरान कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने मजाकिया अंदाज में शॉन पॉलक के लिए कहा कि वो दिन अब चले गए हैं जब आप डाइव लगाकर कैचेस कर लेते थे। रिंकू सिंह का कैच करने के चक्कर में शॉन पॉलक का माइक भी उतर गया था, जिसके बाद स्पोर्ट्स स्टाफ के एक मेंबर ने उसे ठीक किया।